जिहड़े पंजाब सरकार ने नवा रूल कढ़िया भी कृपा करके और बहुत सोहना रूल आ, मैं इहदे नाल सहमत हाँ भी शराब पी के किसी ने गड्डी ड्राइव नहीं करनी क्योंकि पैलेस तो बाहर तुहाडी चेकिंग हो सकती है। सो कृपा करो अपने नाल दे सज्जन मित्र बेली नूं एक दी बांह फड़ के रखो जिन्हें सानूं लैके जाणा भी मेरा वीर तू गलासी ना ला ली कि होर रात पैलेस च कटनी पै जी। सो ख्याल रखो मेरे भाई गलासी ला के किसी ने गड्डी नहीं चलानी। हुण खास ख्याल रखो भैणां नूं गड्डियां सिखाई लो मेरे भाई लाइसेंस लूसेंस दवा लो वेले के वेले चक के तो लै जाया करनगियां। सो ख्याल रखो पैलेस के बाहर चैकिंग हो सकती है ते तुसीं वी मुंडियो ख्याल रखो सारे कहते होर अगले ढाबे जिन्ने होटल है जिन्ने सारे है भी असं उ बैन करते कल मैरिज पैलेस ने उन्हें कहो उन्हें थोड़ा परमिट कटा के पीती है उन्होंने ठीक है सब कुछ ठीक है। उस बाद जो कोई शराब पी के सड़क पर चला गया ठीक है नी वो तो की कहें हम सरकार देखे किन्ने लोग फिर देखे शराबा पीती ठीक है कला मैरिज पैलेस नहीं लाओ सारा इंक्लूड करो ठीक है ना। साडा तो यह है भी सारा करोगे तो बाकी असं कह देंगे भाई एक एक बंदा फ्री रख लो बगैर ना शराब तो रख लो जो बारे मुल्क करना चाहता पर बारा मुल्क बनना नहीं तेरे तो यह भी गल सुन लग भगवंत माना ब्याह का प्रोग्राम अटेंड करके कोई बाहर निकलूगा वही चेकिंग होगी जे किसी ने दारू पीती है ब्याह के बच्चे तो दारू पीते ने उस तो बाद जो बाहर आ रोड से ला लो ढाबे ला लो हाथे ला लो उत्थे भी दारू पी के एक्सीडेंट होंगे ने ब्याह का साल के बच्चे लगातार होंगे ने गे ब्याह का साल के बच्चे 40-50-60 हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट को ये रूल कानून लागू करने से पहले लोगों को अवेयर करने की जरूरत है ना कि पैलेस वाले टारगेट बनाने की जरूरत है। अपन इस चीज़ को दूर किवें कर सकते हैं उसके लिए अपन एक बहुत वड्डी पॉलिसी बनानी पएगी लोगों को अवेयर करना पएगा हर बंदे को दसना पएगा ये आ फायदे है ये आ नुकसान है ता ही लोगों को पता लगेगा। खाली आप एक फैसला कर दिए कि एक पर्टिकुलर जगह पर ही शराब ज़्यादा चलती है वो नहीं नहीं मैंने जायज लगता। मैं जो तो आप खुद ड्राइव करता असं देखते हैं तुम मैं तुम्हें दसदा तुम कभी भी तुम चंडीगढ़ रोड से चले जाओ लुधियाना तो चंडीगढ़ रोड से हाँ जी शाम को हर ठेके उ हाईवे के उपर ठेके है हाईवे के उपर हाथी है मेरे ख्याल कोई ठेका योजा नहीं मैंने दिखता हों जिते भी 30-30 कारा नहीं खड़िया होंगे या वे वहीकल नहीं खड़े होंगे कि लोग उत्तर शराब नहीं पीते उत्ते हम ठेके से या कुछ होर जगह तो शराब पीने वास्ते ही रुके हुए हैं तो उन्होंने लोगों के क्यों नहीं करते कि तुम सख्ती और ये चाहिए इन्हों है कि पंजाब सरकार जिमें चंडीगढ़ के चलता है डिंक एंड ड्राइव ड्राइव चलती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं उन्होंने रखिया उन्होंने एक रैंडमली रखिया भी असं कितने भी चैक कर सकते हैं और लोगों के मन च कानून का डर योजा बैठ जाना चाहिए भी असी सड़क पर कितने भी चाहे शराब पी के जो गड्डी चलावेंगे ना असी पकड़े जा सकते हैं।